नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। अगले वीडियो में हमने देखा था कि कुत्ते की वफादारी पाठ में कुत्ते ने अपने स्वामी भक्त के द्वारा कैसी अच्छी भक्ति निभाई थी, सेवा कैसे निभाई थी। अब आज हमें बात करनी है पाठ चार, कथनी और करनी। अब कथनी और करनी का मतलब क्या होता है, तो कथन यानी कि कहना, करनी यानी कि करना। कथन कुछ कहना और करना। अब इस पाठ में कौन सी बात की गई है, तो कहना कुछ और है और करना कुछ और है। लोग कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कथनी और करनी, कहना और करना। पाठ की शुरुआत करें तो मानव जीवन आज ऐसा जीवन है जो कि कहता कुछ है, करता कुछ है। दूसरों को कहने के लिए वो हमेशा आवश्यक रहता है, लेकिन जब अपनी बारी आए तब वो मुँह मोड़ लेते हैं। पाठ की शुरुआत करें तो मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। मानव जीवन जो है वो हमें प्रभु की अनमोल, मतलब के अपना जीवन ने एक अलग ज प्रकार नु मोल छे ए प्रभुए आपेलू छे। अपनू जीवन छे, मानव जीवन ए प्रभुनी देन छे, अनमोल। सभी प्राणियों के मनुष्यों को प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है। सभी प्राणियों जो है वो मनुष्य को, सभी प्राणियों जितने भी हैं, लेकिन उन सब में मनुष्य को प्रभु ने ऐसी शक्तियाँ प्रदान की है कि उन शक्ति के आधार पर जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। अब मनुष्य को जो चाहे वो ईश्वर ने, भगवान ने दिया है, इसलिए मनुष्य जो भी चाहे वो कर सकता है। या तो अपना जीवन जो है वो अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से जी लेता है, मगर सभी लोग हर समय सही काम नहीं करते हैं। मगर ऐसा तो नहीं होता कि हर लोग जो होते हैं वो हर समय, सभी लोग, सब लोग जो होते हैं वो हर समय सही काम ही कर सकते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। कई बार मनुष्य कहता कुछ है और करता कुछ है। कई बार ऐसा होता है, मनुष्य कहता यही है कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वास्तव में कुछ और होता है, वो करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है, इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया है। कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो कथनी यानी कि मैंने कहा अभी कि कहना, करनी यानी कि करना, कहते कुछ और है और करनी यानी कि करते कुछ और थे, इन दोनों में अंतर, कहने में और करने में, दोनों में अंतर हमें देखने को मिलता है। कब अंतर देखने को मिलता है, तो कि मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। हम तो ये करके देखेंगे, हम तो ये करेंगे, हम तो ये करेंगे, ऐसा कर कहते तो है, लेकिन जब करने की बारी आए तब वो क्या करेंगे, तब वो कुछ और ही बात कर लेंगे। इसलिए कहा है कि कहना और करना दोनों में हमको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। बस इसी ही बात को प्रस्तुत निबंध यानी कि इस निबंध कथनी और करनी में उजागर किया है, हमारे सामने रेखा है
कि मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी इस निबंध को कथनी और करनी में ऐसे व्यक्त किया है जो कि मनुष्य कुछ और करता है कुछ और दिखाता है। पाठ की शुरुआत हम करें बच्चे, तो हम देखेंगे कि सभी मनुष्य कुछ न कुछ करके दिखाना चाहता है, कुछ न कुछ करके दिखाता ही है, लेकिन कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो कहते भी कुछ और है और करते भी कुछ और है। हाँ, सबको कह तो देते हैं कि हमें ये काम करना होता है, हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, लेकिन वो मनुष्य ऐसे हैं जो कि सबके सामने कुछ ना कुछ कहते रहते हैं अच्छी अच्छी बातें। वही मनुष्य के बारे में जब अपना काम करने की बारी आए तब वो क्या करेंगे, तब वो कुछ और नया ही करेंगे। क्या नया करेंगे, क्या कहेंगे वो, तो कि अपनी बारी आई तब। लेकिन अपनी बारी आई तो क्यों मुंह मोड़ लिया उन्होंने, क्योंकि सबको सिखाना, सबको सीख देना और सबको कहना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन जब अपनी बारी आए तो फिर उसको निभाना बहुत कठिन होता है। इसलिए इस निबंध में हमको कहना और करना इन दोनों में अंतर दिखाई देता है, उन अंतर को हमें ठीक करना है और अच्छी तरीके से उसको पार लगाना है। ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। भगवान हमारे ईश्वर जो है उन्होंने मनुष्य को यानी कि हम सबको, हम एक मनुष्य जो है वो क्या है, तो एक सामाजिक प्राणी है। अब उन सामाजिक प्राणियों में सब प्राणियों से श्रेष्ठ मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। सामाजिक प्राणी जो है मनुष्य, उन सब प्राणियों में से मनुष्य को ही ढूंढकर ईश्वर ने बहुत ही श्रेष्ठ बनाया है। कई गुणों से उसे सवारा है, कई ऐसे गुण मनुष्य में दिए हैं ईश्वर ने, प्रभु ने, कि उन गुणों के आधार पर उन्होंने सवारा है यानी कि उसको बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया है। इसका उसे अभिमान भी होता है और मनुष्य क्या करता है कि उसका उसे अभिमान भी होता है। क्यों अभिमान होता है, तो कि जब वो अच्छा काम करते हैं या तो कुछ करके दिखाते हैं तो फिर सबके सामने वो अभिमान करते हैं, अहंकार करते हैं कि हम तो ये काम कर सकते हैं, हमने ये काम करके दिखाया है, ठीक है। और उसी के ही आधार पर वो आगे चल के बिना वो पीछे चले जाते हैं। परंतु स्वयं को गुणों की कान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है, ठीक है। परंतु स्वयं यानी कि खुद ही संपूर्ण गुणों की खान है, ऐसा खुद मनुष्य अपने आप को कहता है कि मुझ में तो इतने सारे गुण पड़े हैं, मैं इतना गुणवान हूँ, मेरे में इतना सारा मुझ में ज्ञान है। ऐसा समझने वाला व्यक्ति जो है वो कई बार ऐसा कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है, ठीक है। खुद को ऐसा कहते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ, मैंने ऐसे काम किए हैं और मैं ही सच्चा काम सच्ची बात करता हूँ। लेकिन ऐसा ही मनुष्य कई बार ऐसा करता है कि वो गलत काम सिर्फ कहता है लेकिन करता कुछ और है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं। अब मनुष्यों कथनी और करनी में ऐसे अंतर है जो हमें हर रोज ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने देखने को हमको मिलते हैं कि मनुष्य कहते ये है और करते ये है।
कुछ करके दिखाना होता है तो सभी को वो ज्ञान बांटते रहते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन जब अपनी बारी आए तब वो पूरी बाजी ही जो है वो पलट देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये काम करना है, या तो अपने हिस्से में जब ऐसी बात आए तब वो करने में कुछ और कर देते हैं। अब आप इधर देखते हैं बच्चों कि फूल तोड़ना मना है, इधर लिखा है। ये क्या है? तो कि ये एक बगीचा है, गार्डन है। उस गार्डन में लिखा है एक तख्ते पर कि फूल तोड़ना मना है। अब आप देख सकते हो कि सामने एक आदमी खड़ा खड़ा फूल को क्या कर रहा है, तो कि आप सब देख सकते हो कि वो फूल को तोड़ रहा है। अब इधर क्या लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। अब इस आदमी को क्या करना चाहिए? फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करता है? फूल को तोड़ता है। क्यों फूल को तोड़ता है? इधर लिखा है तख्ते पर कि फूल तोड़ना मना है, लेकिन फिर भी वो आदमी फूल तोड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा मनुष्य जाति जो है वो करती है? आगे पाठ में हम देखते हैं। बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी। सारी बस्ती जो है गांव की, उसके बीच सरकार ने एक पार्क, बगीचा, गार्डन बनाने की थोड़ी सी जगह छोड़ रखी थी। अब बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। अब आप सब जानते हो कि बरसात का मौसम जब होता है तब ज़्यादातर मम्मी पापा दादा दादी ये सब कहते हैं कि अगर बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में अगर जो पेड़ पौधे हैं उसको रोपा जाए तो तुरंत ही वो जल्दी ही उग जाते हैं। अब इसी ही बरसात के मौसम में मोहल्ले में एक सज्जन रहते थे, उस सज्जन को ऐसा लगा कि ये सरकार ने जो गार्डन बनाया है हमारे सामने, तो उस गार्डन में थोड़े से ऐसे फूलों के पौधे लगाए जाए जिसके कारण गार्डन बहुत ही अच्छा, पार्क बहुत ही अच्छा लगे। बात अच्छी थी। क्या थी बात? बहुत अच्छी बात थी। वे कहीं से पौधे लाए। अब एक सज्जन ने क्या किया, तो वो कहीं से पौधे लाते हैं, कतार से उन्हें रोपा। कतार यानी कि हम इस शब्द का उपयोग हमारे समाज जीवन में हर रोज करते हैं। कतार यानी कि लाइन, लाइन में उन्हें रोप दिया। सब पौधे लाकर उस सज्जन में लाइन में रोप दिए, देखभाल की। उन पौधों की देखभाल वो खुद अपने हाथों से करने लगे। पौधे बड़े हो गए। अब धीरे 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 पौधे बड़े होते जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे। अब बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में इतने अच्छे पौधे फूल के वो सज्जन ने लगा दिए थे, तो थोड़े ही दिनों में वो बहुत ही अच्छी तरीके से वो पौधे की देखभाल करने लगे। और देखते ही देखते पौधे जो है वो बड़े हो गए, और कुछ दिनों के बाद इतनी अच्छी परवरिश उनकी हुई, उनके कारण उसमें फूल आने लगे। बहुत ही अच्छे फूल रंग बिरंगी खिलने लगे। उसके कारण क्या हुआ, तो कि पार्क अच्छा लगने लगा। गार्डन में फूल अगर नहीं है तो कैसा गार्डन लगेगा, पार्क, बगीचा कैसा लगेगा? तो अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि गार्डन में, पार्क में फूल नहीं है तो फिर गार्डन का क्या काम, ठीक है? और अच्छा भी नहीं लगता। जैसे स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो फिर स्कूल कैसी लगती है? बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो गार्डन फूलों के कारण बहुत ही अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। बगीचे के आसपास जो लोग हैं वो सुबह और शाम को पार्क में, बगीचे में, बाग में जाकर टहलने लगे, यानी कि घूमने फिरने लगे।
अब आगे हमें देखना है कि ये गार्डन में फूल तोड़ने वाला जो मनुष्य है वो सामने लिखा है तख्ते पर कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी फूल तोड़ता है। तो फिर अब हमें ये कथनी और करनी के अंतर को देखना है कि आगे पाठ में क्या है। अगले वीडियो में हम ये बात आगे जरूर बढ़ाएंगे, तब तक आप ये कथनी और करनी पाठ को आगे भी देखते रहना और सोचना कि आगे मोहल्ले के लोग सुबह शाम टहलने के लिए आते हैं, अब आगे कथनी और करने में क्या अंतर होता है और पाठ में क्या आगे होता है। मनुष्य करता ये है, कहता ये है, कहता ये है, करता ये है, ये हमें आगे पाठ में देखने को मिलेगा। पाठ को एक बार जरूर से पढ़ लेना बच्चों।